हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे हो गए। जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में फाइलम मोलस्का को कंप्लीट कर लिए थे, यानी कि उसके जनरल फीचर और क्लासिफिकेशन को देखा था, आज हम लोग नेक्स्ट फाइलम को कंप्लीट करेंगे, यानी कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा को देखते हैं। जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ कि फाइलम के नेम में ही उसका कैरेक्टर छिपा होता है, तो वैसे ही इकाइनोडर्मेटा के नेम में ही इसका कैरेक्टर छिपा है। इकाइनोज मतलब होता है हेड गॉड और स्पाइनी, और डर्मोज मतलब होता है बॉडी और स्किन। जो टर्म इकाइनोडर्मेटा है उसको जैकॉब क्ली ने दिया था। जो फाइलम है वो स्टेबलाइज किया गया था ल्यूकॉट के द्वारा। ये टोटली मैराइन होते हैं, जैसे कि टीनोफोरा के सारे मेंबर मैराइन होते हैं, वैसे ही कैनोडर्मेटा के भी सारे मेंबर मैराइन होते हैं। ये बॉटम ड्वेलर्स होते हैं, रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, पेंटामेरा सिमेट्री पाई जाती है इसमें। ये इंट्रोसिलोमेट होते हैं, इसमें हेड अब्सेंट होता है। अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, जो इसका एडल्ट होता है उसमें रेडियल सिमेट्री देखी जाती है, लेकिन लार्वल फॉर्म में बाइलेटरल सिमेट्री देखी जाती है। इसके कुछ फीचर हैं जिसको हम देखते हैं। इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, इसी को एम्बिलेक्टरल सिस्टम भी कहते हैं। जैसा कि हम लोगों ने स्पंजेस में पढ़ा था कि उसमें वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, वैसे ही इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। दोनों सिस्टम अलग अलग हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपको नहीं पता है कि वाटर कैनाल सिस्टम किसको कहते हैं, तो आप पिछले लेक्चर में जाके उसको कवर अप कर लीजिए। वाटर वेस्कुलर सिस्टम में ट्यूब फीट होता है, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है। मेड्रिपोरेट होता है, जो कि फिल्टरिंग एक ऑर्गन की तरह कार्य करता है। इनका फंक्शन क्या होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम का? फीडिंग में हेल्प करना, लोकोमोशन करना, एक्सक्रीशन करना और सर्कुलेशन में। इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन अब्सेंट होता है मेनली। इनमें एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम के द्वारा होता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम, इसमें डर्मल ब्रांकी पाया जाता है और रिस्पायरेटरी ट्री होता है। मेड्रिपोरेट एक्ट एज अ फिल्टरिंग ऑर्गन, कंटेन 250 पोर्स परफोरेटेड प्लेट। जो मेड्रिपोरेट होता है वो किसकी तरह कार्य करता है? फिल्टरिंग ऑर्गन की तरह कार्य करता है, और इसमें लगभग 250 पोर्स पाए जाते हैं। मोस्टली डाइसियस होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, और इसमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब कि इसमें लार्वल फॉर्म बनता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, इसमें ओपन टाइप का होता है, यानी कि हेमल और पेरी हेमल सिस्टम पाया जाता है। इनमें कोई हर्ट नहीं होता और ना ही कोई रिस्पायरेटरी पिगमेंट देखा जाता है। इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो एब्सेंट होती है ब्रिटल स्टार और ऑफिन्यूरेडी में। अभी क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे तो ऑफिन्यूरेडी के कैरेक्टर्स को देखेंगे, वहां पे पता चल जाएगा, ठीक है। रिस्पायरेटरी सिस्टम, इसमें डर्मल ब्रांकी होता है या पपिली होता है, जैसे कि स्टारफिश यानी कि स्टेराइडी में। जेनाइटल बर्सा होता है, जैसे कि बीटल स्टार यानी कि ओफिराइडी में। पेरिस्टोमियल गिल्स प्रेजेंट होता है, जैसे कि सी अर्जिन में यानी काइनिडी में। क्लोइकल स्पायरेटरी ट्री पाया जाता है सी कुकुम्बर में, यानी कि ये होलोथुरिडी का मेंबर है। इसमें कोई ब्रेन नहीं होता, ना ही नर्वस रिंग होते हैं, और रेडियल नर्वल इनमें प्रेजेंट होता है। सिर्फ इनमें रेडियल नर्व प्रेजेंट होता है। जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग में ही देखे थे कि इसमें पेंटामेरा सिमेट्री पाई जाती है, इसीलिए इसमें रेडियल नर्व प्रेजेंट होते हैं, बाकी नर्व रिंग और ब्रेन इसमें अब्सेंट होता है। ओके, ये कुछ फीचर्स थे इकाइनोडर्मेटा के। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।